सुप्रभातम बाला, आज मैं आप लोगों को संस्कृत में धातु रूप बताने जा रही हूँ। धातु रूप के आधार पर ही कोई भी संस्कृत में अनुवाद बना सकते हैं। संस्कृत में हम क्रिया को धातु कहते हैं। अब इन धातुओं के रूप पुरुषों में, तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में चलते हैं। तीनों पुरुष और तीनों वचन में इसका धातु रूप चलता है। अब धातु क्या है, अब इसमें कौन कौन सा चीज धातु होता है, क्रिया जितना भी है, काम करने वाला जो भी शब्द आता है, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, बोलना, आना, जाना, उठना, बैठना इत्यादि, ये सभी क्रिया होती हैं और इस सबका संस्कृत है। जैसे पठ मने पढ़ना, हंस मने हंसना, लिख मने लिखना, खाद मने खाना, गम मने जाना इत्यादि, पा मने पीना। तो अब हम पट का पांचों लकार में धातु रूप चलता है, तो पट का लट लकार में सबसे पहले धातु रूप चलाएंगे। लट लकार का अर्थ हो गया वर्तमान का, जो लकार मैंने पहले बता दिया। तो वर्तमान काल में जो भी काम चल रहा है वो हो जाता है लट लकार। अब इसमें जैसे पठ धातु है, तो पठ धातु को तीनों पुरुषों और तीनों लिंग में जो रूप चलते हैं वो इस प्रकार है। जैसे पठती, धातु के अंत में ती लगा देंगे, एक वचन में ती, जो धातु रूप चल रहा है उस धातु में, धातु के अंत में फिर द्विवचन वचन में तह लगाएंगे, बहुवचन में पठ के अंत में अंति लगा देंगे। तो हो गया पठती, पठता, पठंती, और ये प्रथम पुरुष में चलता है। प्रथम पुरुष में जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह पढ़ता है, वह रोता है इत्यादि, तो वह का संस्कृत हो जाता है सह। तो सह वह पढ़ता है, जैसे तो हो गया सह पठती, वह पढ़ता है। अब यदि हो जाएगा वह लिखता है तो सह लिखती, यानी लिख धातु, हंस धातु, खाद धातु, गम धातु, सभी का इस प्रकार से ही रूप चलेगा। तो प्रथम पुरुष में हो जाता है पठती, पठता, पठंती। एक वचन में यदि रहेगा वह पढ़ता है तो सह पठती, वे दोनों पढ़ते हैं तो हो जाएगा तौ है यहाँ पर, तो तौ पठता, तौ माने वे दोनों। और बहुवचन में यदि रहेगा कि वे सब पढ़ते हैं तो हो जाएगा ते पठंती, यानी वे सब पढ़ते हैं। अब मध्यम पुरुष में चलते हैं। मध्यम पुरुष में आ जाता है, यहाँ लिखा हुआ है कि इन शब्दों का जो रूप चलता है वो है। मध्यम पुरुष में है कि त्वम, त्वम माने तुम, यानी तुम पढ़ते हो। एक वचन में रहेगा कि तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसी, और यदि द्विवचन में है तो कि तुम दोनों पढ़ते हो तो तुम दोनों का संस्कृत यहाँ लिखा हुआ युवाम, तो युवाम मने हो जाता है तुम दोनों, तो युवाम पठता, द्विवचन में हो जाएगा पठता, तुम दोनों पढ़ते हो। और बहुवचन में हो जाता है कि तुम सब पढ़ते हो या तुम लोग पढ़ते हो, तो तुम लोग का संस्कृत यहाँ लिखा हुआ है यूयम, यानी यूयम मने तुम लोग पढ़ते हो, तो यूयम पठत, यहाँ बहुवचन में है इसका धातु रूप में पठत, पठसी, पठता, पठत। पठसी मने पढ़ते हो एक वचन में, द्विवचन में हो जाता है पठता, और बहुवचन में पठत। अब उत्तम पुरुष में चलते हैं। उत्तम पुरुष में होते हैं जैसे कि मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, तो मैं का संस्कृत यहाँ है अहम, अहम मने मैं, जो एक वचन में है, तो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ। द्विवचन में रहेगा कि हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों का संस्कृत यहाँ है आवाम, आवाम मने हम दोनों, तो यदि रहेगा हम दोनों पढ़ते हैं तो आवाम पठावा, द्विवचन में यहाँ धातु रूप है पठावा, आवाम पठावा। अब बहुवचन में यदि रहेगा कि हम सब पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग का संस्कृत यहाँ है वयम, वयम मने हम सब या हम लोग, तो वयम के साथ लग जाएगा पठामा, वयम पठामा, हम लोग पढ़ते हैं। इसी प्रकार से और भी धातु रूप चलता है।
अब गम हो गया, गच हो गया, लिख हो गया, खाद हो गया, इसी प्रकार से लट लकार में सभी ऐसे ही धातु रूप चलेंगे। गम है मूल रूप, गम से हो जाता है गच, गच उसका धातु रूप चलता है। तो यहाँ पर गच जो है तो लट लकार में गच का ही रूप चलेगा, बाकी और सब में जैसे लिरिट लकार में जाएगा तो लिरिट लकार में रहेगा भविष्यत काल में, तो उसमें गम का रूप चलेगा, लेकिन इसमें वर्तमान काल में गच का रूप चलेगा। गम मूल रूप है, गम से हो जाता है गच, और गच मने जाना, तो गच का रूप चलेगा। यहाँ पर प्रथम पुरुष में तीनों वचन में हो जाता है गच्छती गच्छता गच्छन्ति, वह जाता है तो सह गच्छति, वे दोनों जाते हैं तो तौ गच्छता, वे सब जाते हैं तो ते गच्छन्ति, ऐसे ही चलेगा। मध्यम पुरुष में हो जाता है गच्छसि गच्छता गच्छत, उत्तम पुरुष में हो जाता है गच्छामि गच्छावा गच्छामः। तो इस प्रकार से सारे धातु रूप चलेंगे, और जैसे जैसे धातु रूप रहेगा वैसे वैसे उसका अनुवाद बनेगा। और ये बात हम अब बता रहे हैं कि प्रथम पुरुष में तीन लिंग में शब्द रूप उसका बदलता है, तीनों पुरुषों और तीनों वचन में चलता है। तो शब्द रूप पुलिंग में हो जाता है सह तौ ते, सह मने वा तौ मने वे दोनों, ते मने वे सब। अब स्त्रीलिंग में हो जाता है सा ते ता, जो हो गया सा मने वा ते मने वे दोनों, ता मने वे सब। नपुंसक लिंग में भी बदल जाता है, हो जाता है तत ते तानी, तत मने वा ते मने वे दोनों, तानी मने वे सब। तो ये तीनों लिंग में सिर्फ बदलते हैं, और तीनों पुरुष में तीनों वचन में। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष जो है इसका रूप तीनों लिंग में नहीं चलता है, वो सिर्फ एक ही लिंग में रहता है। मध्यम पुरुष में जैसे हो गया त्वम, त्वम मने तुम, युवाम हो गया तुम दोनों, युयम हो गया तुम सब। अब उत्तम पुरुष में है कि अहम, अहम मने मैं, आवाम मने हम दोनों, वयम मने हम सब, और ये तीनों लिंग में नहीं जाएंगे। ये स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में नहीं बदलते हैं, स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो या पुलिंग हो, सब में त्वम और अहम रहेगा, उत्तम पुरुष का ऐसे ही रूप चलेगा। अब जो है बच्चों इस सब को याद कर लेना आवश्यक है कि इसका धातु रूप जिस प्रकार चलेगा, यदि एक धातु रूप हम याद कर लेते हैं तो उसके आधार पर सारे धातु रूप चलेंगे। इसको याद करने की उतना जरूरत नहीं है, तुरंत याद हो जाएगा, और इससे सब कुछ हम सारे धातु रूप को लिख सकते हैं। धन्यवाद।